गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश चौबीसा, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम फिर से इस लेक्चर को लेकर उपस्थित हुए हैं। कल हमने देखा था अम्ल और क्षारों के विषय में चर्चा की थी, और अम्ल क्षार के जो सिद्धांत थे उसमें हमने सबसे पहले आरहेनियस के सिद्धांत का अध्ययन किया था। उसके साथ ही हमने ये देखा था कि आरहेनियस का सिद्धांत जब अम्ल और क्षारों की व्याख्या करता है तो उसकी जो मुख्य कमी है वो क्या है, और इसीलिए हमें कुछ और सिद्धांतों की भी आवश्यकता होती है जिसके आधार पर अम्ल और क्षारों के व्यवहारों को समझा जा सकता है। तो अगला जो मुख्य सिद्धांत था वो 1923 में ब्रॉन्स्टेड, जो एक डेनिश केमिस्ट थे और एक इंग्लिश केमिस्ट लॉरी ने दिया था। इन दोनों ने अपनी अपने डेफिनेशंस, अपनी अपने कॉन्सेप्ट्स अलग अलग प्रस्तुत किए थे, पर दोनों का जो निष्कर्ष था वो एक ही था। और इसलिए जो अगले प्रिंसिपल की बात हम कर रहे हैं उसे हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी या ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत कहते हैं। आइए देखते हैं कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षार क्या होते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के हिसाब से अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन दाता है। प्रोटॉन को हम H+ आयन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि H+ आयन का मतलब है हाइड्रोजन का परमाणु बिना इलेक्ट्रॉन के, और हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब उसे निकाल लिया जाता है तो सिर्फ नाभिक का प्रोटॉन बचता है। तो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका H+ आयन भी है। तो जो सब्सटेंस, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रोटॉन का दान करे या H+ आयन का दान करे उसे अम्ल कहते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन्स, एंड अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन्स। इसके जस्ट विपरीत, जो पदार्थ प्रोटॉन को स्वीकार करे, प्रोटॉन ग्राही का कार्य करे, उसको हम क्षार कहते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। इस अभिक्रिया में HCl को जब जल में मिलाया जाता है तो HCl H+ आयन मुक्त करता है या प्रोटॉन मुक्त करता है, जो जल के साथ जलयोजित होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि H+ आयन जल में मुक्त रूप से नहीं होते, उनका जलयोजन हो जाता है और वो जल से संबद्ध होकर के हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसको हम H3O+ लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, H+ आयन या प्रोटॉन है वो HCl जल को दे रहा है, जिससे हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं और क्लोराइड आयन बन रहे हैं। अतः यहाँ जल है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, उसका प्रोटॉन का को स्वीकार करता है, जबकि HCl यहाँ H+ आयन या प्रोटॉन का दाता है। इसलिए यहाँ H+ आयन को हम एसिड कहेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार, और जल यहाँ पर एक क्षार का कार्य कर रहा है। HCl डोनेट्स अ प्रोटॉन एंड सो इट इज़ एन एसिड, वाइल H2O इन दिस रिएक्शन इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम HCl एंड हैंस इट इज एक्टिंग एज अ बेस। तो बिल्कुल साफ है ये। इसी तरह से कुछ और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे H2SO4 को हम जल में जब डालते हैं तो जलयोजित H+ आयन बनते हैं और HSO4- आयन बनता है। ये HSO4- आयन पुनः जल के अंदर H+ या प्रोटॉन का दान करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और सल्फेट आयन उत्पन्न करता है। तो यहाँ देखिए, दो स्टेप में आयोनाइजेशन हो रहा है। यहाँ H2SO4 दो स्टेप में आयोनाइज हो रहा है। पहली स्टेप में भी वो प्रोटॉन दाता है और दूसरी स्टेप में हाइड्रोजन सल्फेट आयन है वो फिर से आयोनाइज हो रहा है। तो जैसा हम जानते हैं कि H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है, ये यहाँ पर दो प्रोटॉन दान कर रहा है, प्रति अणु दो प्रोटॉन का दान हो रहा है, इसलिए ये
यह एक डाई बेसिक एसिड है। तो टू स्टेप आयोनाइजेशन ऑफ H2SO4 यहाँ दिखाया गया है। यहाँ भी H2SO4 H प्लस आयन या प्रोटोन डोनेट कर रहा है, दैट्स वाई इट इज एक्टिंग एज एन एसिड, एंड वाटर एक्सेप्ट अ प्रोटोन सो इट इज एक्टिंग एज अ बेस। सेम वे नेक्स्ट स्टेप में भी देखिए, हाइड्रोजन सल्फेट एन आयन जो है, इट इज़ अ प्रोटोन डोनर टू वाटर, सो इट इज एक्टिंग एज एसिड एज पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, एंड H2O इज एक्सेप्टिंग H प्लस आयन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फेट, सो इट इज एक्टिंग एज अ बेस। वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर, अमोनिया को जब जल में डालते हैं तो अमोनियम आयन बनते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। हियर एज पर आरहेनियस थ्योरी, बिकॉज अमोनिया इज प्रोड्यूसिंग OH- माइनस आयन इन वाटर, इट इज डिफाइंड एज अ बेस। एंड एज पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, वाटर इज डोनेटिंग H प्लस आयन टू अमोनिया। तो अमोनिया वाटर से H प्लस आयन प्राप्त करके या प्रोटोन प्राप्त करके अमोनियम आयन बना रहा है, दैट्स वाई हियर वाटर इज प्रोटोन डोनर एंड अमोनिया इज प्रोटोन एक्सेप्टर, अर्थात जल H प्लस आयन का दाता है और अमोनिया H प्लस आयन का ग्राही है। तो अमोनिया यहाँ क्षार का कार्य कर रहा है और जल का अणु यहाँ अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट से भी हम अम्ल और क्षारों के व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पलों से ये साफ हो जाता है कि वाटर जो है वो एक अम्ल का भी व्यवहार कर रहा है और एक वो क्षार का भी व्यवहार कर रहा है। अर्थात जब हमने जल में H2SO4, HCl आदि को जोड़ा तो वो उनसे प्रोटॉन स्वीकार करता है, एक क्षार का कार्य करता है, लेकिन जब उसमें हमने अमोनिया डाला तो अमोनिया को वो प्रोटॉन दान देता है, वहाँ प्रोटॉन डोनर का काम करता है और इसलिए वो एक एसिड की तरफ बिहेव करने लग जाता है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड अ बेस इज सेड टू बी एम्फोटेरिक। इसको हम उभयधर्मी व्यवहार कहते हैं, अर्थात जल है वो अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है और यह क्षार की तरह भी व्यवहार कर सकता है, इसलिए ऐसे पदार्थ को हम उभयधर्मी या एम्फोटेरिक कहते हैं। तो वाटर के एम्फोटेरिक बिहेवियर को भी यहाँ हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटॉन देने की भी क्षमता है, प्रोटॉन स्वीकार करने की भी क्षमता है, और ये निर्भर करता है कि वो किस पदार्थ के साथ में प्रोटॉन ग्राही है और किस पदार्थ के साथ वो प्रोटॉन दाता का कार्य कर रहा है। इस आधार पर उसकी अम्लीय और क्षारीय व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है, अर्थात जलीय विलयनों में अम्ल और क्षारों के व्यवहार की व्याख्याओं को करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए सिद्धांत बहुत ही उचित है। तो यहाँ जल के उभयधर्मी व्यवहार को हमने देखा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो सिद्धांत है उसको एक नाम और देते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मैकेनिज्म, अर्थात संयुग्मी अम्ल क्षार धारणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आधार पर इसके बहुत सारे एप्लीकेशन से हम अम्ल क्षारों के बहुत व्यवहारों की व्याख्या और उनके परस्पर अम्ली और क्षारीय सामर्थ्य की तुलना हम इस आधार पर कर सकते हैं। तो यह संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत या संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा भी कहलाती है। जब भी कोई अम्ल प्रोटॉन का दान करता है तो वो एक संयुग्मी क्षार में बदल जाता है। या देखिए, एसिटिक अम्ल को जब हम जल में डालते हैं तो उसका आयनन होकर के एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो चूंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है और इसलिए वो उत्क्रमणीय रूप से आयनित होता है, इसमें अग्र अभिक्रिया में वो H प्लस दान दे रहा है, लेकिन अगर हम पश्च अभिक्रिया की बात करें, बैकवर्ड रिएक्शन को देखें, तो वो H3O प्लस आयन से प्रोटॉन वापस स्वीकार करके और एसिटिक अम्ल में बदल रहा है, CH3COOH में बदल रहा है। अतः पश्च अभिक्रिया या प्रतीप अभिक्रिया की बात करें, बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पर CH3COOH- जो है वो एक प्रोटॉन ग्राही का कार्य कर रहा है, इट इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर, और इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन में वो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है।
बट इट इज ऑप्टेन बाय आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, सो इट इज रिगार्डेड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड. तो हम कहते हैं कि जब भी कोई अम्ल इस सिद्धांत के हिसाब से ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के हिसाब से आयनित होता है, तो अगर वो एक अम्ल है तो वो प्रोटॉन दान करके प्रतीप अभिक्रिया के लिए एक संयुग्मी क्षार बनाता है, और यदि वो क्षार है तो वो प्रोटॉन स्वीकार करता है और प्रतीप अभिक्रिया के लिए एक कॉन्जुगेट एसिड या संयुग्मी अम्ल का निर्माण करता है. देखें इसका दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है. अमोनिया एक बेस है, उसको जब जल में डालें तो वो अमोनियम आयन बना रहा है, अर्थात वो एच प्लस आयन स्वीकार कर रहा है जल से. लेकिन प्रतीप अभिक्रिया के अंदर, बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर, यही एन एच फोर फोर प्लस आयन हाइड्रोक्साइड आयन से को प्रोटॉन देकर पुनः अमोनिया बना रहा है, तो वो एक प्रोटॉन दाता या प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, और इस तरह से ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार वो एक अम्ल का कार्य कर रहा है. तो हम कहेंगे कि यह अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो मैकेनिज्म है वो यहाँ ऑपरेट होती है. और एक और ध्यान देने की बात है कि जब किसी अभिक्रिया में साम्यावस्था होती है तो ऊष्मागतिकी रूप से वो साम्य या तो उत्पादों को ज़्यादा फेवर करता है या ऊष्मागतिकी रूप से वो साम्य अभिकारकों को अधिक फेवर कर सकता है. ये डिपेंड करता है अलग अलग अभिक्रियाओं पर निर्भर करता है कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है उसका मान क्या है. तो यदि कोई क्षार प्रबल क्षार है तो उसका संयुग्मी अम्ल दुर्बल होगा, और ठीक उसी प्रकार से यदि कोई अम्ल प्रबल अम्ल है तो उसका संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा. अर्थात संयुग्मी अम्ल क्षार के जो जोड़े या पेयर्स बनते हैं उनमें से कोई एक अधिक प्रभावी और प्रबल होगा. यदि अम्ल अधिक प्रबल है तो उसका संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा, यदि क्षार अधिक प्रबल है तो उसका संयुग्मी अम्ल दुर्बल होगा. तो ये निर्भर करेगा कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि साम्य मुख्य रूप से उत्पादों को फेवर करता है या वो रिएक्टेंट्स अभिकारकों को के फॉर्मेशन को फेवर करता है. तो इस तरह से एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मैकेनिज्म के आधार पर हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के और अनुप्रयोगों को भी समझ सकते हैं. ठीक, इसी प्रकार से जब H2SO4 को जल में डाला जा रहा है वो HSO4- आयन बना रहा है, H3O+ बना रहा है. तो यहाँ हम देखेंगे जल जो कि क्षार है, बैकवर्ड रिएक्शन में वो एक कॉन्जुगेट एसिड H3O+ बना रहा है, तो H2O का संयुग्मी अम्ल H3O+ है, और H2SO4 जो कि अम्ल है, प्रोटॉन दाता है, वो प्रतीप अभिक्रिया या बैकवर्ड रिएक्शन में HSO4- आयन बना रहा है जो कि प्रोटॉन ग्राही का कार्य कर रहा है. इस तरह से हम कहेंगे H2SO4 अम्ल है और HSO4- आयन उसका संयुग्मी क्षार है. एक और एग्जांपल जिससे और स्पष्ट हो जाएगा, जब अमोनिया के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अभिक्रिया करवाई जाती है तो उत्क्रमणीय रूप से क्या बनता है, इट फॉर्म्स रिवर्सिबली NH4+ एंड SH- आयन. तो यहाँ देखिए अमोनिया प्रोटोन स्वीकार कर रहा है H2S से, इसलिए वो एक क्षार की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन प्रतीप अभिक्रिया बैकवर्ड रिएक्शन में NH4+ प्रोटॉन दाता है और वो एक अम्ल का कार्य कर रहा है. इस तरह से यहाँ अमोनिया और NH4+ इन दोनों का एक एसिड बेस पेयर बन गया. अमोनिया इज अ बेस, NH4+ इज इट्स कॉन्जुगेट बेस. सेम वे H2S एक अम्ल का कार्य कर रहा है और उसका संयुग्मी क्षार क्या है, HS-. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से अम्ल और क्षारों के व्यवहारों की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है. यहाँ अमोनिया और H2S की अभिक्रिया वो जलीय माध्यम में नहीं हो रही है, लेकिन तब भी यहाँ पर उसकी अम्ल क्षार व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है. तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो सिद्धांत है वो आरहणीय सिद्धांत से अधिक व्यापक है, क्योंकि ये सिर्फ जलीय माध्यम के अंदर अम्ल क्षारों के व्यवहारों की व्याख्या नहीं करता. इसके हिसाब से कोई भी पदार्थ
यदि प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन डोनर है, यानी H प्लस आयन का दान करता है किसी अभिक्रिया में, तो वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और जो भी इस H प्लस आयन अर्थात प्रोटॉन को ग्रहण करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, वो एक क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह अम्ल क्षार सिद्धांत की बहुत आसानी से व्याख्या की जा सकती है। अगेन वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, NH3 रिएक्ट्स विद HCl एंड इट फॉर्म्स NH4 प्लस Cl माइनस। जैसा हमने देखा था कि इधर ये रिएक्शन शुष्क अवस्था में होती है, अमोनिया है वो गैस के रूप में HCl गैस से जब अभिक्रिया करता है तो वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl बनते हैं, जिसमें NH4 प्लस और Cl माइनस आयन होते हैं। तो इस अम्ल क्षार अभिक्रिया की व्याख्या भी हम आरएनए सिद्धांत से नहीं कर सकते हैं। यहाँ ये अभिक्रिया गैस फेज में हो रही है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक क्षार है, उसका संयुग्मी अम्ल NH4 प्लस है, HCl एक अम्ल है, उसका संयुग्मी क्षार Cl माइनस आयन है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ संयुग्मी अम्ल क्षार बनते हैं। अर्थात जब भी किसी पदार्थ का, किसी अम्ल का हमें संयुग्मी क्षार बनाना हो तो हम उसमें से H प्लस आयन या प्रोटोन को बाहर निकाल देंगे। जैसे यहाँ HCl है, अगर ये पूछा जाए कि इसका संयुग्मी अम्ल क्या है तो हम इसमें से H प्लस या प्रोटोन को बाहर निकाल देंगे तो Cl माइनस आयन बचेगा जो उसका संयुग्मी क्षार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई हमें कहे कि अमोनिया जो यहाँ एक क्षार है इसका संयुग्मी अम्ल क्या है, तो संयुग्मी अम्ल बनाने के लिए, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए हम H प्लस आयन या प्रोटोन उसमें जोड़ देंगे। जैसे NH3 में H प्लस या प्रोटोन को जोड़ेंगे तो NH4 प्लस बन जाएगा जो उसका संयुग्मी क्षार है, क्योंकि एग्जामिनेशन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में पूछा जा सकता है। खासकर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से किसी पदार्थ का संयुग्मी अम्ल या संयुग्मी क्षार प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम कहें जल का संयुग्मी अम्ल क्या है तो हम उसमें H प्लस आयन या प्रोटॉन जोड़ेंगे तो H3O प्लस या हाइड्रोनियम आयन बनेगा, वो उसका संयुग्मी अम्ल हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। लेकिन यदि हमसे कहा जाए कि जल के अणु का संयुग्मी क्षार क्या हो सकता है तो हम इसमें ठीक उल्टा करेंगे, H प्लस आयन या प्रोटॉन निकाल लेंगे तो इससे क्या बनेगा, OH माइनस आयन बनेगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वो जल के अणु का क्या बन जाएगा, संयुग्मी क्षार बन जाएगा। तो इस तरह से हम जो एग्ज़ाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं या संयुग्मी अम्ल और क्षारों के विषय में अगर पूछा जाता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस आधार पर उदासीनीकरण अभिक्रिया की भी व्याख्या आसानी से की जा सकती है। अम्ल और क्षार की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसको यहाँ पर एक प्रोटोन स्थानांतरण अभिक्रिया या हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर रिएक्शन के रूप में समझाया जा सकता है। अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल और अमोनियम आयन। अगेन वी लुक एट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हियर, एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, HCl अम्ल है, NaOH क्षार है। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं एक लवण NaCl बनता है सॉल्ट और जल का अणु उपोत्पाद के रूप में बनता है। अब यहाँ HCl H प्लस या प्रोटोन दे रहा है और NaOH का जो OH माइनस आयन है, यहाँ अगर हम इस रिएक्शन को आयनों के रूप में लिखें और दोनों तरफ जो एक जैसे आयन है उसको संतुलित करें तो हम देखते हैं कि कुल प्रभावी अभिक्रिया क्या है, H प्लस रिएक्ट्स विद OH माइनस आयन टू गिव H2। सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। न्यूट्रलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड वी हैव मैनी एप्लीकेशन। हम डे टू डे लाइफ में उदासीनीकरण अभिक्रिया का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इस डायग्राम में उसको दिखाया गया है। जैसे इंडाइजेशन हो जाता है या हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो उस केस में ज़्यादातर हम जो सब्सटेंसेस लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, वो बेसिस होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं और वो स्टमक के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते हैं। उसी तरह से टूथपेस्ट जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो एक बेसिक सब्सटेंस है और ये
हमारे माउथ में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उदासीनीकृत करता है। लाइम है, उसका अगर हम छिड़काव करते हैं तो सॉइल में जो एसिडिक करेक्टर होता है, ज़्यादा एसिडिटी होती है, उसको न्यूट्रलाइज करता है और फर्टाइल बनाए रखता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। सो न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसकी भी व्याख्या हम यहाँ ब्रॉन्स्टेड लॉरे सिद्धांत से कर सकते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरे सिद्धांत है, उसको अगर हम आरएनए सिद्धांत के साथ में देखें तुलना करके, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये आरएनए सिद्धांत की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि ये न केवल जल बल्कि अन्य माध्यमों में या शुष्क अवस्थाओं में भी अम्ल क्षारों की अभिक्रियाओं की व्याख्या कर सकता है। अतः यह आरएनए सिद्धांत से अधिक व्यापक है। आरहेनियस अम्ल और ब्रॉन्स्टेड अम्लों में यह समानता है कि आरहेनियस अम्ल H+ आयन जल में देता है, वहीं ब्रॉन्स्टेड अम्ल जो हैं उनमें H+ आयन या प्रोटोन है, उसका स्थानांतरण जल में भी हो सकता है, अजीले विलायकों में भी हो सकता है और गैस फेज में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों सिद्धांतों में कुछ समानता भी है और आरहेनियस की तुलना में ब्रॉन्स्टेड लॉरी की अवधारणा अधिक व्यापक है और इसलिए वो अधिक उपयोगी, उसके ज़्यादा अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस हैं। सो दिस इज़